अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और सब पर अल्लाह पाक का खास करम हो, आमीन। इसी दुआ के साथ अपने आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है और एक बहुत बड़े यूट्यूबर के साथ हमारी आज की वीडियो होगी। आज मेरे घर आया हुआ मेरा कजन पाक विलेज व्लॉग वाला फिरोज। तो जैसे कि आपको पता है कि उसने अपनी न्यू कार ली है, तो मैं उनके घर नहीं गया उनको मुबारकबाद देने के लिए, ना मैं गया और ना ही अम्मी गई है। तो वो आज हमारे घर खुद आ गया मिठाई लेकर हमें अपनी गाड़ी की मिठाई खिलाने के लिए और हमसे मुबारकबाद लेने के लिए और हमें अपनी न्यू कार दिखाने के लिए कि उसने ये वाली गाड़ी ली है। तो बैठे अंदर रूम में, उसके साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं और आपको अपने छोटे बेबी से भी मिलवाते हैं, उसको भी वीडियो में ऐड करते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि फिरोज ने अपनी ये कार कहाँ से ली है। इसने ये कार अपने यूट्यूब की इनकम से ली है। अल्लाह पाक ने इसको इतनी दी है, अल्लाह पाक ने इसके दोनों चैनल को चार चांद लगाए कि जिससे इसने अपनी न्यू कार ली। अल्लाह इसके नसीब करे और खैरियत से चलाए इसको। अल्लाह पाक हम सबको भी दे, सबको दे। बहुत खुशी हुई है कि यार हमारी फैमिली में से मेरे कजन ने अपने पैसों से, अपनी कमाई से अपनी कार ली है। तो अल्लाह हमें भी दे, अल्लाह सबको दे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो दोस्त मेरी वीडियो पर नए हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। ये जी मेरा कज़न, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। चलो माशाल्लाह, तबीयत ये ठीक है आपकी? ठीक यार, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें न्यू कार की। बहुत शुक्रिया, हाँ बहुत खुशी हुई है कि जब मैंने सुना ना कि तुमने न्यू गाड़ी लिया है, बहुत ही खुशी हुई है। अल्लाह तुम्हारे नसीब करे। जी अच्छा, तुम्हें तरीका तो नहीं आता कार चलाने का? मैं सीख रहा हूँ अभी। अच्छा सीख रहे हो ना, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि अल्लाह पाक ने गाड़ी दे दिया लेकिन इसको तरीका नहीं आता। अपनी कार है तो जल्दी सीख जाएगा इंशाल्लाह। थोड़ा बहुत चला लेता हूँ अब ना। चलें सही है, ठीक है। देखिए छोटा बेबी, मिठाई भी आपके लिए लेके आया हूँ मैं। ठीक है जी, थैंक यू। कार की मिठाई, थैंक यू जी। और बाकी सुनाए आप? ठीक ठाक, ठीक ठाक है। ये भी आप ही लेकर आये हो? ये हमने दिया, ये मैं लेके आया हूँ। अच्छा, ये कोल्ड ड्रिंक और मिठाई लेकर आए अपनी? साथ में ये लेके आये और इसको साथ लेके जाऊंगा। किधर? अपने घर। ना 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 बाबा, इधर ही रहेगा हमारे पास, है ना? जाओगे मामू घर? जाओगे? वो कह रहा जाऊंगा। अभी लेकर जाओगे? हाँ, गाड़ी में कौन से जाएंगे? गाड़ी है। अच्छा, जो असल बात तुम्हारी वो यही है कि तुम मेरे बेटे को लेने के लिए आए हो, है ना? इसी को लेने के लिए आया। हाँ, बाकी ये बहाना है मिठाई वाला कि मैं मिठाई देने के लिए आया हूँ आपको। ये आए अपने भांजे को लेने के लिए, मेरा भतीजा होगा या इसका भांजा। तो मेरे बेटे को आज लेकर जाएगा, आज फिर बाबा जा रहे नानो के घर, इसको मामू लेकर जाएगा। बाबा वे अभी देखो कैसे बैठे। मामू के साथ जाओगे? गाड़ी पे जाएगा? बोलो बोलो, गाड़ी पे जाऊंगा मैं आज। देख कितना खुश और कितना प्यारा मुंह बना लेता अपना। अच्छा खोलें फिर मिठाई को। नहीं खोल लेते हैं, आप खोल लें। अच्छा जी, यह मिठाई हमारी फैसलाबाद बेकरी की फेमस मिठाई। मेरे तो ये ना जनाब लें फिर आप, मैं तो बर्फी खाऊंगा। बाबा बाबा पहले खाएगा है? तो मेरे घर जाओ। दूसरी बात ना, मुबारक भी मैंने आपको देनी थी।
मुझे किसी पर मिलन वाली है। हां इधर हमारे मिलन पे इसकी वीडियो पहुंच गई माशाल्लाह बहुत अच्छी है माशाल्लाह। वो जा रही है अभी जा रही है दो मिलन कर जाएगी। ये लो मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैंने इतने ज्यादा इस वीडियो के 1 मिलियन व्यू आ जाएंगे। 2 मिलियन करेंगे माशाल्लाह का करम हुआ है इंशाल्लाह। और आप सब दोस्तों की सपोर्ट है जिसकी वजह से मेरे इतने जल्दी 1 मिलियन हो गए। जी बेबी रेडी हो गया अपने नानों के घर जाने के लिए और हम भी जा रहे हैं। उठाओ इसको आओ बाबा आजो 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 पकड़ पकड़ ये जा रहे हैं गाड़ी में बैठते हैं अब जी। माशाल्लाह से इनकी गाड़ी है माशाल्लाह जबरदस्त सूरत है यार वाइट कलर हाँ बहुत अच्छी है माशाल्लाह जी अल्लाह नसीब करे इनके। छोटा बेबी बाप तो जी बैठ गए ये तुम्हें तरीका फूल नहीं आता कहीं ठोक ना देना ये ख्याल करना चलो ठीक है अल्लाह खैर करे ठीक हो गया। अच्छा एसी चला रहे हो आ चलो। तो मेरा कजन और चले गए घर वापस और मेरे छोटे बेटे तैमूर मुस्तफा को भी अपने साथ ले गए हैं घर। उनका जो मकसद था ना मेरे घर आने का छोटे बेबी को घर लेकर जाने का था। उसका मामू है तो उसने जिद की कि मैं इसे घर ले जाता हूँ तो फिर मैं भी मना नहीं कर सका। तो मेरा छोटा बेटा और वो चले गए अपनी नानों के घर। तो 2-3 दिनों के बाद मैं उसे लेकर तो 2-3 दिनों के बाद मैं जाऊँगा और अपने बेटे को घर वापस ले आऊँगा। ठीक है जी ऐसे लगता है कि जैसे पूरा घर खाली हो गया है छोटे से बेबी के जाने से। मेरा बेटा तो मेरी जान है हमारे घर की रौनक है हमारे घर की शान है। तो आज की वीडियो यही थी जो मैंने आपके साथ शेयर की और देखो कल परसों तक मैं ले आऊं या फिर वो खुद आकर उन्हें छोड़ जाएं। और आज के व्लॉग को फिर यहीं करते हैं एंड इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक ताज़ा और फ्रेश व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। ओके जी अल्लाह हाफिज़।